हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका चैनल सिविल इंजीनियर विकास चल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीमेंट बैग रिक्वायर्ड इन वन कलम, मतलब आप लोग एक कलम आप लोग कास्टिंग करेंगे तो आप लोग को कितना सीमेंट बैग आप लोग को यूज होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। जो हमारा हम लोग जो कलम का साइज लिया है 9 इंच × 9 इंच × 10 फीट, मतलब 9 इंच हो गया मेरा लेंथ और 9 इंच हो गया हमारा विड्थ और 10 फीट हो गया मेरा क्या उसका हाइट हो गया। ये हो गया मेरा क्या कलम का साइज। तो इसी इंच को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट ऑल वैल्यू इन मीटर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग हमारा कितना हो जाएगा। पहले हम लोग जानते हैं क्या 9 इंच मतलब 1 इंच बराबर कितना होता है मेरा, 1 इंच मतलब 1 इंच मेरा कितना होता है 0.0254 मीटर मेरा होता है। ठीक है, तो 9 इंच है तो 0.0254 × 9 इंच कर देंगे तो आप लोग कितना आ जाएगा 0.2286 आप लोग का आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह भी 0.2286 10 फीट को आप लोग क्या करेंगे 3.28 से आप लोग उसको डिवाइडेड कर देंगे तो आप लोग कितना आ जाएगा 3.048 आप लोग का आ जाएगा। तो इसको इंटू करने के बाद आप लोग कितना आ जाएगा 0.1593 मीटर क्यू आप लोग का उसका वॉल्यूम हो गया कितना 0.1593 मीटर क्यू। ठीक है, तो हमारा जो कॉलम में हमारा जो कंक्रीट हम लोग यूज करेंगे तो उसका सीमेंट सैंड का रेशियो हमारा कितना होना चाहिए 1:1.5:3 हमारा यूज होगा। ये मेरा M20 ग्रेड का कंक्रीट। ठीक है, तो एक भाग मेरा सीमेंट होगा तो डेढ़ भाग मेरा क्या हो जाएगा बालू और 3 भाग मेरा हो जाएगा गिट्टी। ठीक है, तो हम बात करें क्या हमारा सीमेंट बैग हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सीमेंट बैग हम लोग कैसे निकालेंगे तो उसका फार्मूला क्या है ना, लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट किसका ना मेरा जो कलम का लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट हो गया इंटू 1.54 × 1440 डिवाइडेड बाई सम ऑफ कंक्रीट रेशियो। तो मेरा वहाँ पे क्या था, मेरा जो कलम का वॉल्यूम मेरा कितना था 0.159 × 1.54 × 1440 डिवाइडेड बाय 5.5 मतलब 1 + 1.5 + 3 तो उसको प्लस करने के बाद मेरा कितना आ जाएगा 5.5 तो मेरा कितना आ जाएगा 64.229 kg मेरा आ जाएगा। तो आप लोग को इतना kg आप लोग को सीमेंट लगेगा। तो एक बैग में आपका कितना आता है 50 kg आता है तो 64.229 डिवाइडेड बाय 50 तो आप लोग कितना आ जाएगा 1.28 आप लोग को बैग लगेगा। ठीक है, इतना बैग आप लोग को लगेगा। किसी किसी का कोई कोई स्टूडेंट का भी डाउट होता है वहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उन लोग का क्या तरीका होता है कि उन लोग क्या करते हैं, पहला हमारा क्या होता है कि कलम का वॉल्यूम हम लोग निकाल दिया कितना 0.1593 हमारा वॉल्यूम आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं 1.54 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसी तरह भी आप लोग निकाल सकते हैं, इसी तरह भी आप लोग को निकाल सकते हैं 0.1593 × 1.54 तो ये आप लोग कितना आ जाएगा, ये आप लोग का आ जाएगा 0.2453 आप लोग का आ गया। इसका हम लोग क्या होता है कि हमारा सीमेंट का कितना भाग होता है, एक भाग हमारा सीमेंट यूज होता है तो 1 × 0.2453 डिवाइडेड बाई सम ऑफ कंक्रीट रेशियो मतलब 1 + 1.5 + 3 आप लोग का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोग का 5.5 हो जाएगा। तो ये आप लोग कितना आ जाएगा 0.0446 आप लोग का क्यूब मीटर आप लोग का सीमेंट लगेगा। तो इतना क्यूब मीटर आप लोग को जब सीमेंट लगेगा तो आप लोग क्या हो जाएगा, एक क्यूब मीटर में आप लोग जानते हैं क्या यहाँ पे आप लोग जानते हैं एक क्यूब मीटर में आप लोग का 1440 kg आता है। तो 0.00446 × 1440 तो आप लोग का सेम आ जाएगा 64.229 kg आप लोग का आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह भी आप लोग जो स्टूडेंट होते हैं उन लोग इसी तरह भी आप लोग निकाल सकते हैं, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट इसी तरह भी आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग का इजी होगा जिसके कारण आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग का कितना सीमेंट बैग आप लोग का लगेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल में नया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
कोई भी एक रुपया भी आप लोग को नहीं लगता है सब्सक्राइब करने के लिए। और वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद भी एक नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी आप लोग प्रेस कर दीजिए, जिसके कारण आप लोग उसके बेनिफिट क्या है कि आप लोग को ऐसे ही नया नया वीडियो आप लोग को जब भी आएगा तो आप लोग का नोटिफिकेशन में आप लोग का शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।